तो हम जा रहे हैं घूमने ऐसी जगह जिसका नाम मैंने भी 20 दिसंबर से पहले कभी नहीं सुना था। ये है द ब्यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। ये है तीर्थान वैली जो कि पड़ती है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ब्यूटी 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 एवरीवेयर एंड द साउंड इज सो अमेजिंग। बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश काम का होगा। हैंग ऑन, ये घर नहीं है, ये है हमारा होम स्टे जिसका नाम है तीर्थान इन। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप आए तो यहाँ विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये है बहुत ही अच्छा, स्पेशियस और काफी ही कंफर्टेबल होम स्टे। तो आज था हमारा डे वन, लेकिन हमारी जर्नी पूरे 24 घंटे की हो गई, इसलिए हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बॉनफायर। और हमने सोने का हो गया है टाइम, हम चलते हैं सोने। यह है हमारा रूम जो कि बहुत स्पेशियस है, लेकिन हमने आते ही यहाँ पे गंद फैलाना शुरू कर दिया, इसलिए हमारे लिए इन्होंने रखा हुआ है डस्टबिन। लोल्स, ये बहुत अच्छा रूम है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेशियस। बर्फ, वो भी पहली बार। तो आज है हमारी जर्नी का सेकेंड डे और हम जा रहे हैं सिरोलसर लेक विया जलोरी पास। और अब हम करेंगे ट्रैकिंग। हमें बस चलना है, चलना है, प्यारे प्यारे नज़ारे देखने हैं और बस चलते ही जाना है। मेरे पांव के तले की ये जमीन चल रही है, कहीं धूप ठंडी ठंडी। हमें अपने पांव भी बहुत संभाल संभाल के रखने पड़ रहे हैं क्योंकि फिसल गए तो ढैं, वो जाएंगे नीचे फिसलते हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, बस मैं थक गई हूँ। और आई गैस वो सामने आप देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट मेलबर्न पर पहुँच गए। कॉफी के पन्नों जैसे यहाँ दिन पलटते होंगे। टूर गाइड जिन्होंने इस छोटे से पपी को पकड़ने की बहुत कोशिश करी पर ये पपी गया भाग। फाइनली द 360 व्यू। ये मैंने बर्फ उठाई, बर्फ पकड़ी और ये मैंने बर्फ फेंकी, ये मैंने बर्फ के साथ दी अच्छी सी पोज और ये भैया ने मेरी फोटो की लगा दी वॉट। लेकिन इनके शॉल से फील आ रही है एकदम ठंड वाली, वो तो है ही। और अब हम पहुंच गए हैं सरालसर लेक। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल लेक है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, इवन लेक भी पूरी जमी हुई है। हमें जाना है वहाँ, मतलब कि ये इतनी सारी जमी हुई बर्फ जो कि थोड़ी ऊंचाई पे है, तो हम चले। और हमने ऑन द टॉप पहुंच के भी की काफी सारी फोटोग्राफी, वो तो हमारा फेवरेट काम है। और ये है बूढ़ी नागिन टेम्पल, मतलब कि गॉडेस ऑफ स्नेक्स का टेम्पल। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये जो लेक है ये बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कैरी करती है, इसलिए इससे बहुत सारी बीमारियों का अंत हो जाता है। तो अब हम चले वापस फिर से ट्रैकिंग करने। आज है हमारी ट्रिप का लास्ट डे, मतलब कि डे 3। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे होम स्टे के आसपास जो भी ब्यूटी है सबको कैप्चर कर कर ले जाएं अपने साथ। हम निकल चुके हैं फिर से दुर्गम रास्तों पर और हम जा रहे हैं चोई वाटरफॉल। देखो कितना दुर्गम पतला पतला रास्ता है, फुल ऑन एडवेंचर चलना भाई। हम फिर से चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं। तो ये रास्ता जाएगा चोई फॉल की तरफ,
मतलब कि हम अब तक क्या कर रहे थे। एनीवेज चलो, दुर्गम जंगली रास्ते, ये बहुत बहुत डेयरिंग लोग आ रहे हैं अभी जो मेरी तरह थक नहीं जाते। ऊपर से भी दिख रहा है, कहाँ से? बाय बाय। नहीं मैं, वाह ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो फाइनली पहुंच गए झरने पे, सबसे पहले सौंदर्या पहुंची है मतलब मेरे और इसमें से। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल झरना, ये नीचे और ये ऊपर 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 और वहाँ ऊपर। और ये झरने का टोटल हाइट है 100 भूल गई। कितना प्यारा पानी लग रहा है, वाह कितनी प्यारी आवाज आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और एज यूजुअल हमने फिर से कर दिया है यहाँ पे फोटो सेशन शुरू। यही है वो भैया जो हमें इतने डेडली रास्तों पे लेके जा रहे हैं। कोडवर्ड था शायद कुछ। देखो हमें वापस वहां जाना है, वो है हमारा होम स्टे, तो क्यों ना रास्ते में अच्छी अच्छी ब्यूटीज को कैप्चर कर ले। तो ये है जीबी वाटरफॉल और ये है एक मैनमेड वाटरफॉल और काफी अच्छी कलाकारी दिखाई गई है। और सबसे अच्छी बात इस वाटरफॉल की ये है कि हमें यहाँ ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ी। वाओ ये देखो इसकी ब्यूटी। और हमने एज यूजुअल कर दी है फोटोग्राफी शुरू। और अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारे पीछे वाटरफॉल बह रहा है। लल्स। और इसी के साथ हमारी ट्रिप हो गई है खत्म। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी और आप यहाँ कब आने वाले हैं। बाय बाय।